हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त हम मौजूद हैं सन सिटी मॉल में। यहाँ पर एक हरियाणवी फिल्म का प्रीमियर है। फिल्म का नाम है तेरा मेरा वादा। इस फिल्म पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सिनेमा पर रिसर्च करने वाले एक मशहूर लेखक, मशहूर निर्देशक श्रीमान धर्मेंद्र डांगी। तो सबसे पहले तो डांगी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो फिल्म ये देखी है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? फिल्म कैसी है? फिल्म मुझे दूसरी हरियाणवी फिल्मों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी लगी। एक सफल प्रयास है निर्माता निर्देशकों का। टेक्निकल वाइज, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी, काफ़ी साउंड फिल्म नजर आई मुझे जी। और सभी आर्टिस्ट का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कह सकते हैं कि हरियाणवी फिल्म, हरियाणवी सिनेमा में एक सार्थक प्रयास हम इस फिल्म को कह सकते हैं। जी, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस तरह की फिल्में बहुत कम आ रही हैं हरियाणा में। और यदि गौर फरमाया जाए तो संगीत की और ना केवल एक अच्छे निर्देशन की भी कमी रहती है। इस फिल्म में जो निर्देशन रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, निर्देशन मुझे ठीक ठाक लगा। और जहाँ तक कंटेंट की वाइज है, कंटेंट की बात करें हम, कंटेंट भी इतना रिच मुझे नज़र नहीं आया। भाल सिंह बल्हारा की मैंने पहले काफ़ी फिल्में देखी हैं और उनकी एक फिल्म आई थी छैल के लचांगी। मुझे कुछ कुछ उसी फिल्म का रिमेक ये जो है, ये तेरा मेरा वादा, मुझे ये लगी जी। फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहिए? संगीत सो था, कोई मतलब इतना। एक गाना जो बहुत ही पॉपुलर गाना है हमारे हरियाणा का, दिल्ली शहर में बिके चुनरिया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर एक रागनी थी जो जनार्दन शर्मा जी पे फिल्म आई गई थी, जो करते थे बाग भरे झूल गली सामण की, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और बाकी ओवरऑल कह सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक था म्यूजिक के बाद। सर, अगर फिल्म की लोकेशन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत वादियों को तो घूमना है, तो खूबसूरत वादियाँ दिखाई गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हरियाणा का सिनेमा जो है, यदि उसमें बेहतरीन लोकेशन दिखाई जाए तो किस प्रकार से वो और ज़्यादा समृद्ध हो सकता है? देखिए, लोकेशन काफ़ी मैटर करती है किसी भी फिल्म को अच्छा लगने में। और अच्छी बात है, इस फिल्म में एक प्रयास किया गया है कि आप हिमालय की वादियों में जाने का थोड़ा। और मैं चाहता हूँ कि भी इस तरह की लोकेशन, बेशक हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं और बाहर भी लोकेशंस हैं। आप हरियाणा की लोकेशन को भी यूज़ करो, बाहर की लोकेशन को भी यूज़ करो। और इवन आप देखेंगे कि दूसरे जो स्टेट के सिनेमाज हैं, वो तो कभी कभी शूट के लिए अब्रॉड भी जाते हैं। तो अगर वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल। ये जो नए दो कलाकार इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके काम पर आप दो शब्द? मुझे अंकित बल्हारा का काम बहुत अच्छा लगा। मतलब लगता है कि हीरोइक जो क्वालिटी है एक मतलब प्रादेशिक सिनेमा के लिए, वो काफ़ी फिट बैठता है। नीतू सिंह हालांकि हरियाणा से नहीं है, लेकिन उनका काम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लैंग्वेज की बात करें तो उन्होंने हिंदी को जैसे काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन आजकल है हरियाणा का ट्रेंड है कि शहर में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली हिंदी का ही यूज़ करते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगा। जनार्दन शर्मा का काम काफ़ी अच्छा लगा, जो लायक थे फिल्म में राठी, उनका काम बहुत बढ़िया लगा। और बाकी सभी का काम भी ठीक ठाक था जी। सर, पंजाब की अगर सिनेमा इंडस्ट्री की बात की जाए तो मैं पाता हूँ कि हरियाणा से कंपैरिजन पर बहुत कहीं ज़्यादा रिच है। तो इस ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा का सिनेमा उस गति से नहीं पनप पा रहा है कि जिस गति से पंजाब का सिनेमा पनप रहा है? हालांकि हमारा पड़ोसी राज्य है, पर तो फिर भी हमारा जो सिनेमा है वो उससे कंपीट नहीं कर पा रहा है। देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब भी सिनेमा जो है काफ़ी पुराना है। हम कह सकते हैं कि लगभग 50-60 साल पुराना है पंजाबी सिनेमा। जब फिल्में बननी शुरू हुई थी, ब्लैक एंड वाइट का दौर था, तो तब से पंजाबी फिल्में बन रही हैं। और हमें अपने हरियाणवी सिनेमा को का पहला वो झलक देखने के लिए जो है 50 साल में इंतज़ार करना पड़ा। 1900
2016 में जो है पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद मतलब 60 सालों के बाद 74-75 में पहली हरियाणवी फिल्म हमें देखने को मिली। और उस वो फिल्में भी ऐसी थी जिसमें हरियाणवी संस्कृति के नाम का कुछ नहीं, असली हरियाणवी सिनेमा की शुरुआत अगर हम मानते हैं तो हम चंद्रावल से मानते हैं, लेकिन वो भी टेक्निकली इतनी साउंड नहीं थी। बस ये था कि हमारे हरियाणा का अपना सिनेमा था, अपना कल्चर था, अपनी संस्कृति थी, अपनी बोली थी, इसीलिए लोगों ने उस फिल्म को हाथों हाथ लिया। और उस फिल्म ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान सभी जगह रिकॉर्ड पाए। अब अगर बात की जाए एक ऐसी फिल्म की जो हरियाणा की संस्कृति को बेहतर ढंग से दिखा सके, आप क्या समझते हैं कि किन कलाकारों को मौका देना होगा, किस तरह के कलाकारों को आगे आने का मौका देना होगा, कहानी किस हिसाब की होनी चाहिए, निर्देशन किस हिसाब का होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे कल्चर की बात है, मेरे हिसाब से जितना रिच हरियाणा का कल्चर है वो किसी भी स्टेट का कल्चर नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उस कल्चर को एक मंच प्रदान करने की। हालांकि काफ़ी कोशिश की है, पिछली फिल्मों में काफ़ी कोशिश की है, इसमें भी हमने अगर सेकंड हाफ में देखें तो हरियाणवी कल्चर को काफ़ी दिखाया है। और टैलेंट की बात करें तो हरियाणा में टैलेंट बहुत है, लेकिन ज़रूरत है कि उस सही टैलेंट तक पहुंचने की, उसे ढूंढने की। पिछली बार जब दौर था, जो पिछला हरियाणवी फिल्मों का 80 और 90 के बीच का जो दौर था, उस दौरान काफ़ी हरियाणवी फिल्में बनी, लेकिन उनका जो असफलता का जो कारण यही रहा कि मेन जो है जो सही टैलेंट है उसको मौका नहीं मिला। अगर अब की बात करें हम तो अगर ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर द्वारा एक सफल प्रयास है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो है आसिफ बल्हारा या दूसरे जो भी निर्देशक निर्माता हैं वो सही हरियाणा के जो सही टैलेंट चुनकर जो है उनको मौका दें। और ऑब्वियसली हरियाणवी सिनेमा भी जो है दूसरे स्टेट के सिनेमा के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो खड़ा होगा, हम ये आशा करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डांगी साहब खुद भी निर्देशन में रुचि रखते हैं और हरियाणा की कई प्रतिभाओं को मौका देने का मन भी रखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से कलाकारों को मौका देने का प्रयास करते हैं? देखिए, मैं तो बड़े छोटे से प्रयास मैंने किए, दूरदर्शन हिसार के लिए एक सीरियल मैंने किया था हमारा हरियाणा हमारी बात, उसमें भी जो है मतलब 26 एपिसोड हमने टेलीकास्ट किए थे, काफ़ी हरियाणा का जो है वो दिखाया था और बड़े अच्छे रिजल्ट रहे थे उसके। उसके बाद भी एडवर्टाइजिंग का जैसे करते रहते हैं हम, हरियाणवी एडवर्टाइजिंग आप देखोगे हमारी कई कंपनीज के लिए हमने हरियाणवी एडवर्टाइजिंग की है और कोशिश की है कि हम हरियाणवी कल्चर को आगे ले करें और आगे भी कोशिश है हमारी कि हम भी हरियाणा के लिए कुछ ऐसा करें कि जो सही टैलेंट को मौका मिले और हरियाणवी सिनेमा भी जो है मतलब पनपे फले फूले और हरियाणवी लोगों की भी जो है दूसरे कलाकारों के साथ जो है उनकी पहचान हो। हमसे बात करने के लिए